नमस्कार दोस्तों, पिया मिश्रा के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पितृ पक्ष कब से प्रारंभ है, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। भी 2 दिन पहले ही मैंने डाला है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है पिया मिश्रा, तो आप लोग पिया मिश्रा PIAAMISHR पिया मिश्रा के जो कि मैं बगल में ये लिखा हुआ है, तो आप लोग इसी चैनल को सर्च करेंगे तो आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो उस वीडियो में छूट गई हैं। जैसे पितृ पक्ष में हम लोग श्राद्ध करते हैं, पूर्ण तिथि पर श्राद्ध करते हैं, तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कौन से फल सब्जी है जिनका हमें भोग नहीं लगाना चाहिए, तथा ऐसे कौन से फल सब्जी है जिनको हमें जरूर बनाना चाहिए। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पितृ पक्ष में हमें क्या क्या बनाना चाहिए। बिना देर किए हुए आप लोगों को बता दूं कि खीर से बनी, दूध से बनी हुई जैसे खीर है, चावल की और दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग हम लोगों को प्रसाद बनाना है, ठीक है। दोस्तों, उड़द की दाल का उपयोग हमें पितृ पक्ष में जरूर करना चाहिए। दोस्तों, उड़द की दाल के पकौड़े बड़ा जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों, यह शुभ माना जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तो यह सब बनाना चाहिए। तरोई की सब्जी और घी की पूरियां, शुद्ध घी की पूरियों का भोग बनाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, अब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है पितृपक्ष में, तो आप लोगों को बता दें कि हम लोगों को पत्ते गोभी की सब्जी नहीं बनानी चाहिए, तथा कुमाड़ा जिसका पेठा होता है, कुछ लोग पेठे का भोग लगा देते हैं या मतलब पेठे की सब्जी बनाते हैं, उसका हमें भूल कर भी उपयोग नहीं करना चाहिए। पालक है, मूली है, मसूर की दाल है, इन सब का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। और आप लोगों को बता दें कि तामसिक भोजन हम लोगों को पितृपक्ष में श्राद्ध के दिनों में नहीं उपयोग करना चाहिए, ना ही ब्राह्मणों के लिए बनाना चाहिए। अच्छा, उपयोग नहीं करना चाहिए जैसे माशाहार, मदिरा, इन सब का उपयोग भी नहीं करना है, तथा ये सब बनानी भी नहीं चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पितरों को ये सब पसंद है, लेकिन वो जीते जी पसंद था, मरने के बाद उन सब का पसंद बदल जाती है। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो इन सब चीजों का उपयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये बात आ गई आप लोग समझ में। और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि पितृपक्ष में हमें 5 जगह पर प्रसाद निकालना चाहिए, गाय को, कुत्ते को, चींटी को, तथा कौए को और देवी देवताओं को, ठीक है दोस्तों। गाय पृथ्वी का रूप, पृथ्वी तत्व में आता है, कुत्ता जल तत्व में आता है, और चींटी अग्नि तत्व में आती है, कौआ वायु तत्व में आता है, तथा देवी देवता आकाश तत्व में आते हैं। तो यह 5 तत्वों का भोग हमें श्राद्ध पक्ष में जरूर लगाना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पितृ पक्ष में हमें कुछ चीजों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे दोस्तों, कुछ स्त्रियां हैं जिनको मतलब पितृ पक्ष में पार्लर जाके बाल कटवाना, आईब्रो वगैरह, या पुरुषों को दाढ़ी बनवाना, बाल कटवाना, ये सब नहीं करना चाहिए दोस्तों। नाखून काटना भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है दोस्तों। और आप लोगों को बता दें कि पितृपक्ष में जो श्राद्ध किए जाते हैं वह सूरज ढलने के बाद नहीं करने चाहिए, सूरज ढलने से पहले ही श्राद्ध समापन कर देना चाहिए दोस्तों। माशाहार मदिरा का उपयोग नहीं करना है पितृपक्ष में, और नए वस्त्रों को धारण करने से भी बचना चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि कोई भी मांगलिक कार्य हम लोगों को श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह है, रिंग सेरेमनी जिसको गोद बराई बोलते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह और गृह प्रवेश हुआ कोई मतलब उत्सव, ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात जन्म उत्सव की, जो जिसे बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे श्राद्ध पक्ष में कुछ लोगों का पड़ता है, तो बर्थडे हम लोग छोटा मोटा मना सकते हैं। श्राद्ध पक्ष हम लोगों को अपने कुल देवी देवताओं के घर में ही करना चाहिए, जहाँ पे हम लोग मेरे पूर्वज रहते थे वहां ही करें, लेकिन अगर हम लोग कहीं दूर रहते हैं तो दूर से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम लोग अपने कुल घर से, जहाँ पे हम लोगों के पूर्वज रहते थे वहां पर ही श्राद्ध करें।
दोस्तों पितृ पक्ष में जो लोग पितरों की तिथि पे श्राद्ध करते हैं या जिनको अपनी तिथि याद नहीं रहती है पितरों की, वो लोग अमावस्या को श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन लोगों को इन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पांच तत्वों को मैंने भोग निकालने को बताया था, वो पांच तत्वों को भोग निकाल के हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं दोस्तों, इसलिए हम लोगों को पांच तत्वों को भोग निकालना चाहिए। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवी देवताओं को भोग निकालना चाहिए दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।